राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदला गया। प्रियंका गांधी ने कहा ये शहंशाह का कॉन्सेप्ट। जी हां, द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉलों के नाम बदल दिए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा है। नाम बदले जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दरबार की कोई अवधारणा नहीं है लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। कांग्रेस महासचिव ने इसके बहाने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। संसद में भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव, बोले बेईमानी से जीते हो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो तुम। समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं था और इसमें सभी वर्गों की उपेक्षा की गई है। सांसद की ये बात सुनकर भाजपा के कुछ सदस्यों ने शोर मचाया तो धर्मेंद्र यादव उन्हीं पर भड़क गए। सांसद ने कहा कि हमें पता है कि आप लोग बेईमानी से जीते हो और मालूम है कि कितने बड़े तीरंदाज हो। उन्होंने कहा कि आप लोग केवल बेईमान हो। सांसद सलाखों के पीछे यह भी इमरजेंसी है। संसद में अमृतपाल के समर्थन में बोले चरणजीत सिंह चन्नी। जी हां, पंजाब की जालंधर सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में बजट के दौरान सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ और अमृतपाल सिंह का मुद्दा उठाया। चरणजीत सिंह चन्नी ने निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह पर कहा कि वह कहते हैं कि वे हर दिन आपातकाल के बारे में बोलते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने निकाली 200 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, आवेदन शुरू। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के 200 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना बृहस्पतिवार 25 जुलाई को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 14 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क ₹800 का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक दिए गए 362 करोड़ रुपए, अमित शाह बोले कागज रहित है पूरी प्रक्रिया। जी हां, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,20,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 362 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है, जिसे 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना था। भारत और ब्रिटेन ने TSI शुरू करने का किया ऐलान। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति, टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी मिलेगा फायदा। जी हां, भारत और ब्रिटेन ने TSI यानी प्रौद्योगिकी सुरक्षा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी की पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसका ऐलान किया गया। इस अभियान के तहत दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। साथ ही माना जा रहा है कि यह समझौता भारत में प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोजगार के नए अवसर भी देगा। बजट में दो राज्यों को विशेष पैकेज देने पर मचा घमासान, आखिर क्यों नहीं मिल सकता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जहां वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि राज्यों को UPA शासनकाल में भी अतिरिक्त सहायता मिलती रही है, ऐसे में बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए जाने वाले पैकेज का विरोध करना ठीक नहीं है। सूत्रों का दावा है कि बिहार को UPA शासनकाल में लागू की गई व्यवस्था के कारण ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। राहुल गांधी ने की किसान नेताओं से मुलाकात, MSP गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाने का दिया भरोसा। जी हां, किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने राहुल गांधी से MSP समेत किसानों की अन्य मांगों को संसद में उठाने की मांग पर बात कही, जिस पर राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि वह इंडिया के घटक दलों के साथ चर्चा कर संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। परीक्षा प्रक्रिया को फ्रॉड बताने पर माफी मांगे राहुल गांधी। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद BJP ने उठाई मांग। जी हां, लोकसभा में बहस के दौरान नीट को फ्रॉड बताने पर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि नीट का पेपर व्यवस्थित तरीके से लीक नहीं हुआ है। पटना और हजारीबाग में लीक हुआ पेपर कुल 155 प्रतिभागियों तक पहुंचा था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और उन्हें आगे परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी गई है। अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काला धन वाले, ब्लैक मनी एक्ट के तहत लेना होगा क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जहां 23 जुलाई को देश में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश कर दिया गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसी कड़ी में बजट में भारत से बाहर जाते समय आवश्यक क्लियरेंस सर्टिफिकेट से जुड़े प्रावधानों को कड़ा कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक वे भारतीय जो भारत छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीन चिट देने वाला क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। हालांकि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है।
सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, सुलह कराने के लिए आरएसएस ने बढ़ाए कदम। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से यूपी में बीजेपी में चल रहा शीत युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरु पूर्णिमा पर आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने के बाद इन अटकलों को बल मिला है। आरएसएस पदाधिकारी ने केशव प्रसाद मौर्य को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को बड़े लेवल पर उठाया जाएगा, साथ ही उनसे अपनी शिकायतों को सार्वजनिक मंचों पर न कहने का आग्रह किया गया है।